जहां तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूंकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहां है कोई इनपुट हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। जहां तक दूसरा विषय आपका है आउटसाइडर्स का, चूंकि लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीजें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहां पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उसके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है उस डिटेल कॉल में, इससे ज्यादा पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्रेंसेज को निकलते हैं, वो इन्फ्रेंसेज सोशल मीडिया के इन्फ्रेंसेज और लगातार वहां जो सीसीटीवी कैमराज है, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं, 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं, और अभी तो ये शुरुआत हुई है। इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहां है वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहां लगा हुआ है, और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। और इसमें चूंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई बात कह देना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करता है, इसलिए जो हमारा एक स्टैंड है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा वो हर हालत में उसको मेंटेन किया जाएगा।